नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर में एक कार की ट्रोला से टक्कर हो गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से उनकी कार्रवाई की जा सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाकर आप विधायक अमानतुल्ला खान ने जेल के अंदर इलेक्ट्रिक केतली और ग्लूकोमीटर ले जाने की अनुमति मांगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौ तस्करों और गौरक्षों में मुठभेड़ हो गई। एको कार में गौ तस्करों के हरियाणा मूवमेंट की जानकारी मिली तो गौरक्षों ने गौ तस्करों का हाईवे पर पीछा किया। इस दौरान गौ तस्करों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की जाने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कई क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे पेशेवरों के लिए क्षेत्र के महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में खुली बातचीत की जाएगी। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि 25 सितंबर को गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हरियाणा के गोहान में रैली करेंगे। रैली में रोहतक, सोनीपत और पानीपत के 22 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी शामिल होंगे। मुंबई के कोटे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में बीजेपी नेता मोहित कंबोज और अन्य को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अक्षय शिंदे के पिता ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि बदलापुर मामले में 6 आरोपी अभी भी फरार है, ये भी समान रूप से जिम्मेदार है। महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति लगभग बन गई है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर चर्चा होनी अभी बाकी है। मेट्रो के पहले फेज में प्रतिदिन 6.5 लाख यात्रियों की यात्रा करने की क्षमता है। ट्रेन संचालन के लिए 48 चालक होंगे जिनमें 10 महिलाएं शामिल हैं। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की सोमवार को थाने में पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई थी। अब इसकी जांच सीआईडी कर सकती है। शिवसेना नेता और एसएचटी अध्यक्ष सिद्धार्थ सर्वेकर ने कहा कि रोजाना लाखों लड्डू बांटे जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर का नहीं है और वीडियो कई बाहर बनाया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के चर्चित बदलापुर यौन शासन केस के आरोपी अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मौत हो गई है। आरोपी की मौत के बाद कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की वाहन कंपनी की लोकल यूनिट का आईपीओ जल्द खुलने वाला है। आईपीओ के प्रस्ताव को सेबी ने अपनी मंजूरी दे दी है। महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को एक बार फिर से लव लेटर लिखा है। इस बार सुकेश ने जैकलिन को गाना भी डेडिकेट किया है। जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की फिल्म देवरा पार्ट का इंतजार खत्म होने वाली है। फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हो रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।